बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ रमज़ान की बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी आलू के चिप्स जो है ना आप लोगों के साथ क्रंची जो है ना शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएंगे। चलें जी इसको रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक आलू को मैंने स्लाइसेस में काट लिया है और दो चम्मच मैं इसमें भर के, ये बड़े साइज़ का आलू है ठीक है ना, अगर मीडियम साइज़ के हैं तो आप दो ले लीजिएगा। तो दो चम्मच मैं इसमें डालूंगी बेसन, ये है अजवाइन, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, रेड चिली ये भी आप अपने टेस्ट के साथ हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ पार्सले ठीक है, और पार्सले मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा है ये ठीक है, कसूरी मेथी। और अब हम इसको आपस में टॉस कर लेंगे ठीक है, पानी नहीं ऐड करना, पानी का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। मैं इसको टॉस करती हूँ दोनों हैंड से अच्छे से, तो फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने इसको टॉस कर लिया बड़े अच्छे से और इसको सिर्फ और सिर्फ मैं पानी इसमें डालूंगी नहीं, ऐसे सिर्फ ये थोड़ा सा ऐसे छीटा दे दिया मैंने बस, और इसको अब मैं मिक्स करूँगी अच्छे से जी। ये बड़े अच्छे से हो गया। अब इसमें हम ऑयल को दूसरी तरफ मैंने गरम होने रख दिया है, ऑयल गरम होता है तो इसमें मैं डालने का तरीका भी बताती हूँ। गरम हो गया और हमने इसको पास कर लिया और वन बाय वन इस तरह उठा के डालते जाएंगे। आग को कर लेंगे हम थोड़ा सा दरमियाना और बस जल्दी जल्दी हम इसको डालते जाएंगे, साथ नहीं जुड़ने चाहिए। मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट बैच हमारा डल चुका है तो अब हम इसको ज़रा एक दफ़ा आँच तेज़ करके हिला लेंगे ठीक है। फर्स्ट बैच मैंने निकाल लिया है, खूब क्रंची से हैं ये, आवाज़ आपको आ रही है। सेकंड मैंने डाला हुआ है ठीक है जी, इसको भी निकाल के तो मैं आपको सर्विंग दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये मज़ेदार से क्रंची क्रंची रेडी हो गए हैं, आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है ठीक है जी। और इसके ऊपर हम डाल देंगे चाट मसाला ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है। विद केचप ये मज़ेदार से मेरे रेडी हो चुके हैं ठीक है जी। आपका मेयोनीज डालने को दिल चाहे तो इस पर मेयोनीज भी डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।